बिग बॉस की लाइव फीड में जहां बाबू भैया ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। दरअसल अरुण ने उनकी बहन के बारे में क्या बोला, बाबू भैया का दिमाग का माला ही हिल गया। और बाबू भैया ने अरुण से कहा, मेरी बहन के बारे में बोलेगा और यहाँ तक कि टेलीविजन पर मेरी बहन को हमारे बीच में लाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते हुए बाबू भैया ने अपना आपा खो दिया। अरुण को जाकर उनके कपड़े पकड़ लिए, वो लेटे हुए थे बिस्तर पर, उन्हें उठाने लगे और दोनों के बीच में फिजिकल फाइट होने लगी। अरुण भी पीछे नहीं हटे, अरुण बोलते गए और बाबू भैया को पकड़ने के लिए अभिषेक आया। अभिषेक ने बाबू भैया को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा, लेकिन अभिषेक जो है वो किसी के भी, अभिषेक ने जैसे ही बाबू भैया को पकड़ा, बाबू भैया यानी कि अनुराग जो है अभिषेक से छुड़ाने के लिए लगातार कोशिश करने लगे और ऐसे में अभिषेक ने बड़ी मुश्किल से उन्हें घसीटते हुए किचन एरिया में ले गए। लेकिन वहां पर भी बाबू भैया ने कहा, आज मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इस घर से जाऊंगा, लेकिन इस आदमी को मार के जाऊंगा। ऐसे कहते हुए बाबू भैया फिर से अंदर जाने लगे। किचन प्लेटफॉर्म से सभी आ गए, इवन किचन प्लेटफॉर्म पर भी लड़ाई हो चुकी, अरुण भी आ चुके थे वहां पर। और फिर बाबू भैया ने गुस्से में प्लेट्स तोड़ दी और घर में बहुत सारा हंगामा हुआ। लेकिन इन सब के बीच में बाबू भैया हाथापाई पे उतर आए और घर वालों से संभले ना संभले, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से घर में आतंक मचाया है कि वो फिजिकल फाइट पर उतारू हो चुके हैं। फिलहाल बाबू भैया का बिग बॉस में ये पहली बार इतना गुस्सा और एग्रेशन देखा गया है। बाबू भैया के इस रिएक्शन पर आप क्या एक्शन करना चाहेंगे, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बिग बॉस तो फैसला लेंगे ही सही, लेकिन आप उनके गुस्से पर क्या कुछ कहते हैं और अरुण के बिहेवियर को लेकर आपका क्या कमेंट है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।